हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी फ्राइडे की शाम का टाइम हो रहा है, थर्सडे को तो कोई ब्लॉग यानी कल मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं कर पाया क्योंकि थके हुए थे और पूरे दिन रेस्ट ही किया है क्योंकि परसों शादी के फंक्शन में से देर रात लौटे थे। वही 1:45 बजे तक हम लोग यहाँ आए थे और ये तो फिर लौट चले गए थे, वापस चले गए थे मुझे और तांशु को छोड़ करके। और फिर कल सुबह ऐसे ही 8:30 बजे के करीब आए हैं, विदा वगैरह सब करा करके। तो रात को देर से लौटने की वजह से नींद वगैरह भी पूरी नहीं हो पाई, तो इसलिए फिर कल पूरे दिन रेस्ट किया है। और ये अभी शाम से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। यहाँ पर तांशु की स्टडी चल रही है और मैं ये अपनी अलमारी सेट करने में लगी हुई हूँ। जब तक यूनिफॉर्म चेंज हो जाएगी तो ऐसे ठीक है? नहीं होता, इतने धोना चेंज होती है। वो तो बच्चों की चेंज हुई है, एक साल हुआ है यूनिफॉर्म को चेंज हुए बस। ये तो बच्चों की चेंज हो गई, दो साल में यूनिफॉर्म होना चेंज होती है। बच्चों की चेंज हुई है, बच्चों की चेंज हुई तो बच्चों की क्या टाइम से कोई पहन कर आई है। टीचर्स की मेरा लास्ट ईयर ही चेंज हुई थी। देखो फ्रेंड्स, मेरे पास जहाँ मैं पढ़ाती थी सीमैक्स में स्कूल में, वहाँ का ये सूट भी रखा हुआ है, साड़ी भी रखी हुई है, यूनिफॉर्म मैंने संभाल के रखी है कि अगर कभी मेरा मन हुआ, इस साल तो नहीं तो नेक्स्ट ईयर मैं सोच रही हूँ स्कूल फिर दोबारा से रिजॉइन करने के लिए, तो मैंने ये यूनिफॉर्म संभाल के रखी हुई है अपनी। मरिया क्या जल्दी ज्वाइन करें, मेरा फिर जल्दी कम हो जाएगी, घर पर रहती है मुझसे लड़ती रहती है। और क्या काम तो बढ़ेगा, फिर जल्दी कम रहेगी। बच्चों फिर और लड़ाई हुआ करेगी, नहीं होगी अभी लड़ाई कम होती है करेगी। मैं सुबह स्कूल का जल्दी दिखा करूंगी। अभी मैं आपको अपने हाथ से नाश्ता तभी करवा देती हूँ, फिर कौन करवाएगा? नाश्ता मैं करा दूंगा। आप खुद तो कर भी पाते हो, मेरे को करवाओगे? नाश्ता कर भी लेंगे, करा भी लेंगे, टेंशन मत लो। और मेरी अलमारी कभी सेट नहीं रह पाती है, मतलब आज लगाऊंगी 2-3 दिन बाद फिर वही हालत हो जाएगी क्योंकि इसमें डेली के भी कपड़े रहते हैं, आने जाने वाले कपड़े भी रहते हैं, साड़ी सूट सब इसमें रखे रहते हैं। क्योंकि इसके बगल में जो शीशे वाली अलमारी है उसमें 4 छोटे छोटे खाने बने हुए हैं, उसमें तो 2 तांशु के हैं, 2 इनके रहते हैं कपड़े 2 खानों में, और दूसरी तरफ वाला जो खाना है उसमें जो है बुक्स वगैरह ही रहती हैं और बैग वगैरह भी सारे उसी में ही रखे रहते हैं। तो इस तरीके से पूरी अलमारी जो है भर रखी है। तो मैं आने जाने वाले जो कपड़े होते हैं साड़ी सूट वगैरह वो सब तो मैं इन बैग में रख देती हूँ, बाकी जो डेली पहनने वाले कपड़े हैं वो ऐसे ही फोल्ड करके अलमारी में लगा देती हूँ इन बैग के बगल से। और शादी में भी जो कपड़े वगैरह पहन करके गए थे वो भी सब अभी ऐसे ही पड़े हैं, जो मैं ज्वेलरी वगैरह पहन के गई थी वो भी सब बाहर पड़ी है, तो वो भी सब लगानी है। और मैं फंक्शन में आर्टिफिशियल ईयर रिंग्स पहन गई थी, गोल्ड को उतार के रख गई थी, तो अभी मैं ये गोल्ड के अपने पहन ले रही हूँ। और ये ना ईयर रिंग्स यू शेप में हैं और मतलब इनका जो कुंडा है ना मुझसे लग नहीं रहा था, फिर मैंने इनसे बोला है, मैंने कहा आप लगा दो, थोड़े से इनका जो कुंडा है ना थोड़ा सा ख़राब सा हो रहा है, लूज़ सा हो रहा है, तो बहुत मुश्किल से लग पाता है, फिर मैंने इनसे लगवाया है। और अपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी रखने के लिए मैंने ये एक बैग बना रखा है, ये मेरी शादी की मेकअप किट है जो कि ससुराल की साइड से मेरे को चढ़ी थी। तो हाँ, इसमें मैं जो है अपनी, अब इसमें मेकअप का सामान तो रहता नहीं है, तो मैं इसमें अपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी रख देती हूँ। और मेरे पास ये एक नया सेट रखा था जिसमें बड़े बड़े ईयर रिंग्स हैं और मांग टीका भी है काफ़ी बड़ा, तो मैं वो लगा के देख रही थी और मुझे, मैं ये कह रही थी, मैंने कहा ये मेरे पास ऐसे ही रखा रहा, मुझे ध्यान नहीं रहा, भाई की शादी में मुझे दूसरे ईयर रिंग्स पहनने पड़े थे और ये इतने बड़े बड़े इतने बढ़िया गोल्डन ईयर रिंग्स रखे हुए थे, अगर मुझे याद होता तो मैं इनको ही पहनती अपने भाई के शादी के फंक्शन में। पर चलो कोई नहीं, फिर किसी फंक्शन में देखेंगे, अभी तो इन्हें मैं सब उठा करके रख दे रही हूँ।
पूजा कर रही हूँ माँ। लाइट खोलूँ माँ? लाइट ले चलो टंकी भले हम टंकी भर लें। अम्मा कर रही है पूजा। समाज चल रही है अभी टंकी। और ऊपर वाले पोर्शन में समर का पॉइंट नहीं है तो ये टंकी भरने में नीचे आती हूँ और इस टंकी का पानी खाना बनाने के लिए यूज़ करती हूँ मैं। बाकी पीने के लिए तो बोतल आती ही है प्लांट से। गाइस ये पकड़ा गया है चोर। ये रात को बहुत परेशान करता था हमारे यहाँ पे। इसने रात में आतंक मचा रखा था। कभी कुछ काटता है, कभी कुछ काटता है, कभी कुछ करता है। पूरी रात और अम्मा को परेशान कर रखा। अम्मा ने चूहा पकड़ा है, चूहे दानी में रोटी लगा करके। और अभी ये जा रहे हैं छोड़ने इसको। कहाँ छोड़ोगे इसे? इसे छोड़ दो सड़क के पार। इस सड़क पार करके इधर हमारे एरिया में ना आए। और आ गया फिर तो सड़क पार नहीं कर पाएगा ना ये। सड़क पार नहीं कर पाएगा है? हाँ आप बोलो आपको क्या परेशानी है। पापा चूहा छोड़ने जा रहे हैं। आप जा रहे हो साथ में चूहा छोड़ने? आप अपने स्टडी करो जाओ जा करके। और ये जा रहे हैं चोर को छोड़ने के लिए। इस चोर ने ना पूरी रात भर धमाल मचा दिया, सोने नहीं दिया अम्मा को। नुकसान किया कपड़ों का सो वो अलग। अब ये जा रहे हैं चोर को छोड़ने ताकि ये वापस आकर के घर में नुकसान न करे। नहीं जाओ। आ जाओ जल्दी अंदर। जाओ ऊपर जाके अपनी स्टडी करो। परसों मैथ्स का है आपका? जाओ। परसों कल? परसों है, कल नहीं है। जाओ नारा अंदर करो। नारा कभी अंदर नहीं रहता आपका। नारा क्यों नहीं अंदर रहता है? अंदर करो इसे। जाओ ऊपर जाके स्टडी करो, मैं सामान बंद करके आऊंगी। जाओ। हो गई अम्मा पूजा? हो गई। है? हाँ मैंने कहा मैं पूजा कर रही, कहीं ऐसा ना टंकी भर जाए। बोतल भर दी मैंने। हाँ भर दी मैंने बोतल। आज आज अम्मा की पूजा होगी। अब तो आज और अभी मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने। और इस वक्त गर्मी इतनी बढ़ गई है ना कि खाना बनाने में हालत ख़राब हो जाती है। मन नहीं करता कि जिम में जाने का, जाकर के खाना बनाने का। बहुत गर्मी लगती है और तान चुकी अभी। बट क्या करें, खाना तो बनाना ही है यार। भूखे थोड़े ना रहेंगे गर्मी लगे चाहे कुछ भी हो। और तान चुकी यहाँ पर जोरों शोरों से चल रही है स्टडीज़, क्योंकि तान चुके PA1 स्टार्ट हो गए हैं जो कि 19 तक चलेंगे। उसके बाद फिर इनकी समर वैकेशन होगी 19 को है लास्ट आपका। और स्टडी से फोकस करो, नहीं अभी पिटोगे पापा आकर के मारेंगे अभी आप। और मैं तांशु से परसों करने लग रही थी कि तांशु परसों का एग्जाम है, जबकि तांशु बोल भी रहे थे कि कल का एग्जाम है, मम्मी परसों नहीं है। मैं ये ध्यान भूल ही गई कि परसों तो संडे है, संडे वाले दिन एग्जाम कैसे हो सकता है इसका। होता है क्या करें, कभी कभी भूल जाते हैं। और ये मैं मठा के आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। और इस बार मैंने आलू बॉईल करके नहीं बनाई, ऐसे कच्चे काट करके छोंक दिए थे। जब वो गल गए हैं उसके बाद फिर मैंने इसमें दही डाल दिया है। और दही भी ऐसे ही डाल दिया है, चलाया नहीं है उसको, ऐसे ही दही डाल दिया है मैंने। और मैं सब्ज़ी बॉईल होने तक लगातार चलाती रही थी ताकि दही ना फटे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ये खीर बनने रखी है। और मैं ये समा के चावल और साबूदाना मिक्स करके खीर बना रही हूँ। काफ़ी दिनों से ये रखे हुए थे समा के चावल और साबूदाना। वैसे मन तो मेरा आज ये था कि खीर और आलू की कचौड़ी बनाऊँगी, लेकिन कचौड़ी के लिए उन्होंने मना कर दिया, इनको रोटी खानी है। सो फिर अब रोटियाँ ही सेकेंगे। और जब तक मैंने आटा लगा करके रखा है, थोड़ी बहुत ही रोटियां सेकनी है, तो जब तक आटा लगाया है मैंने तब तक ये खीर भी बनने को आ गई है। तो ये मैं इसमें इलायची पीस करके डाल दूँ। और चीनी भी मैंने ऐड कर दी है, बट वो वीडियो स्किप हो गई है मेरे से।
तो ये खीर बन करके तैयार है। अब बस जल्दी से रोटियां और सेक लूं और इन दोनों को खाना खिला दूं, फिर मैं भी खाऊंगी खाना। और फ्रेंड्स, अभी हम आप लोगों से अपनी शादी की स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला ही था कि हम अपनी शादी की स्टोरी शेयर करेंगे कि कैसे हुई हमारी शादी। वैसे तो अरेंज मैरिज है, बट फिर भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। मतलब हमारी शादी की बात जो है, एक नहीं दो बार नहीं, मतलब कई बार छिड़ी है और कई बार रुकी है। और मतलब ऐसे इस तरीके से रुकी है कि लग रहा था कि शादी होगी नहीं, होगी नहीं, मगर क्या करें। बट जब ऊपर वाले लिख के भेजिए शादी होनी है तो मुझे झेलना है, तो मुझे झेलना ही पड़ेगा। अच्छा, मुझे झेलते हो आप है और क्या। बताओ कितना, चलो आप शादी स्टोरी बताने दो। बता दो। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारी शादी जो है मतलब कैसे हुई और क्या क्या हुआ। तो हमारी शादी एक नहीं दो मतलब तीन चार बार हमारी शादी की बात रुकी थी, छिड़ते छिड़ते रह जाती थी हमारी शादी की बात। मतलब हुआ क्या था, पहली बार जब जो इनका जो रिश्ता है वो हमारे पापा के दोस्त ने बताया था। तो हमारे पापा के जो दोस्त हैं उनकी बहन इनके गांव में है, तो उन्होंने ये रिश्ता बताया था पापा के दोस्त ने। तो जब पहली बार रिश्ता बताया तो पहली बार में मम्मी ने जो मना कर दिया था कि इसलिए क्योंकि इनकी फैमिली गाँव में रहती है। और मैंने रियल में आज तक कभी गाँव में नहीं गई हूँ, मैं हमेशा मतलब जन्म भी सिटी में हुआ, पढ़ाई वगैरह सब सिटी में हुई। तो मम्मी को लगता था कि मैं गांव में एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। तो पहली बार में तो उन्होंने मना ही कर दिया था कि नहीं, कि मैं गांव में नहीं करूंगी अपनी लड़की की शादी। तो फिर पहली बार में ये बात रुक गई। फिर जो है दोबारा अंकल ने बोला कुछ टाइम बाद, कह रहे नहीं देख लो लड़का अच्छा है, कि लड़का पढ़ा लिखा भी है, फैमिली भी अच्छी है, और आजकल तो गाँव गाँव और ये भी था कि आजकल तो गाँव गाँव जैसे नहीं होते हैं, सारी फैसिलिटी होती है गाँव में, और लड़का अच्छा है, फैमिली अच्छी है, लड़का पढ़ा लिखा है, फैमिली भी अच्छी है, सीधी साधी फैमिली है, अच्छी बढ़िया फैमिली है। सो इसलिए फिर मम्मी ने कहा चलो, अभी जब अंकल जी इतना बोल ही रहे हैं तो फिर मम्मी ने कहा चलो देख लेते हैं लड़के को। तो फिर पापा गए, उस वक्त मेरे दोनों भाई नहीं थे, दोनों भाई बाहर थे उस वक्त, तो पापा गए थे देखने। तो जब पापा देखने गए हैं उस टाइम पे आपके घर में क्या था, मतलब एक और लड़की वाले आए हुए थे और वो पहले ही इनको पक्का कर चुके थे। मतलब जो भेंट वगैरह देते हैं ना, मतलब पहले ही जो भेंट दे रहे थे, क्या दे रहे थे। हाँ गाइस, ऐसा होता है ना, कोई लड़की वाले आए, उनको लड़का पसंद आ जाता है तो कुछ ना कुछ रोका कर जाते हैं, पैसे रख जाते हैं, रोक जाते हैं, ताकि लड़का जो मतलब रिजर्व हो जाए। वो कहते हैं ना सीट रिजर्व करते हैं कि हमारी सीट पे कोई और ना ले, ऐसे जो है पैसे दे करके इनको रिजर्व कर दिया गया था कि अब ये बस उन्हीं के और किसी के नहीं है। तो इसलिए फिर मेरे पापा उस वक्त लौट आए, क्योंकि मेरे पापा ये ठीक है दूसरी जगह जो है दूसरी लड़की वालों ने इनको जो है पक्का कर दिया। तो फिर पापा लौट आए, फिर जो है बहुत सारे फिर और मतलब मम्मी पापा ने और जगह लड़के देखे, बट वही है ना कि मतलब कहीं गुड़ नहीं मिल रहे थे तो कहीं लड़का पढ़ा लिखा नहीं मिल रहा था, या फिर कहीं लड़के वालों की अच्छा लड़का है तो कहीं लड़के वालों की डिमांड ज़्यादा होती थी। तो फिर जो है और तीसरी बार फिर दोबारा बात छिड़ी, जबकि लड़की वाले इनको पक्का कर रहे थे, उसके दो तीन महीने बाद फिर दोबारा बात छिड़ी इनसे शादी की। अब क्या हुआ था अब आप बताओ। गाइस हुआ क्या, लड़की वाले पक्का कर गए थे आपको। पक्का तो कर गए लड़की वाले, मगर उसने गुड़ मिलाए, हमारे पंडित ने मना कर दिया, बोले गुड़ नहीं मिल रहा था, आप इससे शादी ना करें। फिर क्या करें, फिर हम यहां खाली हो गए। मतलब ये है कि शादी मेरे साथ ही लिखी थी, मैं कह तो रहा हूं बस वही है, झेलना मुझे तो नहीं था। तो फिर जो है जब इनके उस लड़की से गुड़ नहीं मिले तो वहां भी इनकी फिर बात कैंसिल हो गई। उसके बाद फिर अंकल जी ने दोबारा बात छिड़ी कि अरे लड़की वालों का मतलब कि वहाँ से रिश्ता नहीं हो पाया, गुड़ नहीं मिले हैं, तो अब आप देख लो। तो फिर उसका फिर दोनों भाई भी यहीं थे आगरा में ही, तो फिर मेरी पूरी फैमिली देखने गई थी इनको, मम्मी पापा मौसी मेरे सारे भाई सब लोग इनको देखने गए थे। और उसके बाद फिर जो है पक्का कर लिया था फाइनली। और उसके बाद भी आप बोलो ये कुछ कहना चाह रहे हैं, बताओ क्या कहना चाह रहे हैं। तो मतलब जब आप उसके बाद मेरे मम्मी पापा मेरी पूरी फैमिली को देखने गई घर आई, उसके बाद फिर एक डेढ़ महीने बाद ये मुझे देखने आए थे।
फिर हाँ देख करके मुझे पसंद कर रहे थे। और मैं आपको बताऊँ हमारी शादी होने का जो मेन रीजन है वो मैं आपको बताऊँ कि हमारी शादी होने का जो मेन रीजन है वो इनकी दीदी थी, मेरी ननद, मेरी उनकी बड़ी बहन जो अभी इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि इनका मतलब माना इन क्योंकि इन्होंने वो पहले ही बोल दिया था कि जो लड़की दीदी को पसंद आएगी ये उसी से शादी करेगी, दीदी को पसंद होगी तो इनको भी पसंद होगी। तो मतलब दीदी ने ही सबसे पहले दीदी ने ही मुझे पसंद किया था। तो जब ये मुझे देखने आए थे तो दीदी से ही पूछा गया था कि दीदी को लड़की पसंद है या नहीं, तो दीदी ने जब मुझे पसंद किया था उसके बाद फिर इन लोगों ने हाँ बोला था। तो मतलब दीदी की पसंद यही समझ लीजिए कि दीदी है जिनकी वजह से हमारी शादी हुई है। और हम दोनों की शादी कराने का रीज़न ही वही थी, हम दोनों की शादी उन्होंने ही कराई और वही जो है हम दोनों की शादी में शामिल नहीं हो पाई। और उससे पहले भगवान ने उनको हमसे छीन लिया, अगर आज वो होती तो वाकई में बहुत खुश होती हम दोनों को साथ में देख करके। तो हम दोनों को एक करने का तो हम दोनों को मिलाने का जरिया वही थी और भगवान ने उन्हीं को हमसे छीन लिया। खैर तो ज़्यादा नहीं हमें बात करी इस बारे में और तो फिर फाइनली शादी हो गई।